लेकिन अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को या अपने बच्चों की लाइफ को अपना पैशन नहीं बनाया ना दिस इज बिगेस्ट डिफीट ऑफ योर लाइफ एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा वेटिंग फॉर यू तो अगर हो नहीं सका ना तो इसके ऊपर हमारे यहाँ स्केप सबसे अच्छा मुकद्दर में नहीं लिखा था तो इस हमारे स्केप गोर्ड बहुत अच्छे हैं वही हमारे तकदीर में नहीं लिखा हाँ भाई कि इस मॉडल के अंदर जहाँ पर आप अपनी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसे सिर्फ 20 परसेंट तक आपने अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना आपको ये समझना चाहिए कि जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी बूस्टिंग होती है ना इंसानी रिश्तों के अंदर वो आपकी बीवी से होगी अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है अगर ये रिलेशनशिप में ये चीज नहीं है ना तो ये आने वाले वक्तों के अंदर ना वो इसके साथ इतनी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कि वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू करेगी इसके साथ अक्सर मर्द इस एरिए में एक साल के बाद शादी के औरतों को अबेंडन कर देते हैं और एक कल्चरल टैबू आ जाता है की कार्भालो अंबला गया तो दुनिया का है क्या तू वे अपने कार बच्चा हो गया तो उसको, उसको उसके साथ लगा देंगे वो मजबूर हो सकती है वो चुप हो सकती है वो दब सकती है लेकिन वो जो सात साल बात करेगी ना इसके साथ वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं फिर ये ठीक भी करना चाहेगा ना वो ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसको दस साल खराब किया है माई फर्स्ट एडवाइस लिसन टू योर वूमन स्टॉप गिविंग योर ज्ञान टू हर अक्सर मशवरे मिलते हैं भाई यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो ज्यादा मत सुनो अगर आपने अपने पार्टनर को एग्जॉस्ट किया उससे फ्रस्ट्रेट किया उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया और आपने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया और उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया दैट मींस यू स्क्रूडेड अप कोई स्ट्रेटेजी से रिश्ते हैंडल नहीं हो सकते घर आएगा इस हालत के अंदर कि बीवी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकते घर से जाएगा ऑफिस इस हाल में लड़के कि वहां सबको गला काटने का दिल कर रहा हूं सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें फैमिली बच्चे घर दोस्त यार सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी काम धंधा मीडियम है असल इंसान फैमिली के लिए बना है। तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं शेख साहब एक जिंदगी है और वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसी तरह है कि साठ सस्तर एवरेज है हमारी उम्मत की लेकिन जब आपकी तकरीरें हों या फिर किसी भी मैंट के साथ मैं खुद भी होता हूँ या मैं सीखता हूँ ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ तो दिल चाहता है कि आदमी सब कर ले कि हाँ। ये भी हासिल कर ले करियर भी अच्छा कर ले बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर ले रिश्तों को भी देख ले सोशल सर्कल भी जो पुराने डीएक्टिवेटेड उनको भी एक्टिव कर ले तो वो एक इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि देर अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड आर कार्स लेकिन आप कैसे देखते हैं जिंदगी को कि इंसान के अंदर जब ये स्पार्क लग जाए कि उसने वाकई कुछ करना है उनकी आज बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने नहीं करना जो रुक गए हैं सेटल हो गए हैं आज उनकी बात करते हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और दे वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ लेकिन उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें उनको होल्ड बैक कर रही हैं हाँ। और आप पीछा नहीं छुड़ा सकते नहीं। तो कहीं पे वो किसी को भत्ता दे के आगे निकल जाते हैं कभी किसी को जो है बेट दे के आगे चले जाते हैं तो व्हाट्स द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ के किस तरह आगे बढ़ा जाए इसको आप ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हो सवाल को कि जब आप एक जजीरे से पे फंसे हुए हो और उससे अगर आपने निकल के समंदर की में जाना है तो वो साहिल के ऊपर जो शोर है जो रश है और जो बम्प है और जो वहाँ पे टाइड है जो वेव्स हैं उसकी जो वहाँ खेल है वो बहुत वो शुरुआत के अंदर आप में होगा बहुत हिसाब किताब तो वहाँ तो आप बहुत कुछ करके निकल सकते हैं लेकिन समंदर बहुत गहरा है और बहुत लंबा है इसकी मिसाल ऐसी भी ले लें कि आप जो है वो अपने इनिशियल स्पार्क के साथ थोड़ी देर भाग सकते हैं जिक जैगिंग कर सकते हैं आप दो नंबरी के साथ या क्विक ट्रिप्स के साथ या तेजी के साथ या बावलों बावली एनर्जी के साथ आप कुछ देर मैनेज कर लेंगे या खांचों के साथ या रिश्वत के साथ या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ या दो नंबरी के साथ आप कुछ देर सरवाइव कर लेंगे लेकिन ये सफ़र इतना लंबा है जीत का सफ़र और मकाम का सफ़र और सक्सेस का सफ़र इतना लंबा है और इतना बड़ा है कि इसे एक ना एक टाइम पर आपको चैनलाइज करना पड़ेगा वरना ये पूरी कायनात आपको चैनलाइज कर देगी और जब आप चैनलाइज हो जाएंगे ना तो आपको फील हो रहा होगा कि आप ग्रो नहीं कर रहे यू आर देन आपको फील होगा कि नॉट यू आर नॉट मेंट फॉर आप कर नहीं सकेंगे हुँ. आपको एक बहुत पोस्ट डिप्रेशन हिट करेगा आगे जाके आ, के हो नहीं पा रहा हूं हूँ मेरे पास जान भी है ताकत भी है अजम भी है कसद भी है इरादा भी है मगर मुझसे हो नहीं पा रहा मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे तो जिस अंदाज में जिंदगी की शुरुआत की जाती है वो चाहे जितनी भी डिसऑरिएंटेड हो डिसरप्टेड हो लॉन्ग टर्म मैराथन लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है ना वो इस तरह के नहीं होते जिस तरह के आजकल आपके यूट्यूब में मिल रहे हैं आपको कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है जो मैं देखा यानी 100, 200 मीटर 300 मीटर के अगर स्विम है वो आप बटरफ्लाई कर लें और कर लें लेकिन आपका जो शौक है ना <laughs> कि मैं फ्री स्टाइल भी कर लूं, मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक भी कर लूं, मैं फ़्रॉक स्टाइल भी कर लूं, मैं बटरफ्लाई भी कर लूँ ये सौ पचास मीटर तक का शौक है आपका समंदर बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है और बहुत तवील है उसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म प्लान स्ट्रेटजी चाहिए जिसके तहत आप आउट ना हो आप बच के निकल जाए और आप कलेक्ट भी कर लें आपकी बात को मैं इस तरह आ, समराइज कर सकता हूं कि इमोशनल आप स्टार्ट ले सकते हैं इमोशंस आपको बहुत एनर्जी देते हैं लेकिन बाद में जाके उसको प्रिंसिपल अप्रोच लेनी पड़ेगी कि क्योंकि लंबा सफर है आपके जज्बात के अंदर उतार चढ़ाव होगा और बड़े मसाइल होंगे ये मुझे याद है एक दफा हमारे शेख मदरसे के अंदर उन्होंने ये बात मुझे सिखाई थी कि भाई ईमान जो है हमारे मुताबिक अकीदे के मुताबिक ईमान घटता है बढ़ता है ईमान कभी आपका बहुत ऊपर लेवल पे होता है कभी नीचे होता है बिल्कुल अब ईमान की बेस पे जो स्टांस आप लेंगे ना जो फैसले लेंगे उसके अंदर दवाम रखना वैसे ही पॉसिबल नहीं है उन्होंने इस तरह समझाया उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल के आई वॉन्ट टू टीच अ सब्जेक्ट इन मदरसा और मैं कहता हूँ जी मैं इसको एज अ जॉब या एज अ बाकायदा पेशा या फिर करियर नहीं ऑप्ट कर रहा मेरा दिल है मेरा दिल चाहता है मैं बच्चों को पढ़ाऊं अब उन दिनों मेरा ईमान का लेवल जो है बड़ा ऊंचा था बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके मैं पढ़ाने चला गया दो तीन हफ्ते बाद मेरी छुट्टी हो गई फिर छुट्टी हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो होना ही था क्योंकि ईमान को हिट लगी होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आपका जो लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है या प्रायोरिटाइजेशन जो आपकी है वो हट हुई यहाँ पे हिट हुई तो उन्होंने कहा कि ईमान के जरिए आप ईमान के लेवल को रखते हुए आप एक फैसला लेते हैं लेकिन फिर उसको आप प्रिंसिपली अलाइन करते हैं कि भाई ठीक है दिस इज़ अ कमिटमेंट और ये एज अ जॉब लूंगा एज अ करियर है मेरा ये मैं टाइम किसी और को नहीं दे सकता चाहे मेरा ईमान का लेवल ऊपर हो या नीचे हो मैंने करना ही करना है तो उन्होंने इस तरह चीज़ को समझाई थी और सिर्फ करना ही करना नहीं होता उस करने में बहुत कुछ करना होता है ये बात हमें मैं जो ना जो देखें बहुत से लोग सोचते होंगे समझते होंगे कहते भी होंगे भाई कि एक बड़ी यूनिफॉर्म अप्रोच आ गई है अब शेख हातिफ के अंदर आफ्टर 2022 आई गेस क्योंकि और पहले भी थी तो मसला ये है ना कि वो जो जितना चलाएंगे हैं ना ये आप चला नहीं सकेंगे ऐसे तो मैं जब भी किसी को सुनता हूँ या मेरे आगे से कोई क्लिप जाती है या महफिलों में मेरी दोस्ती आ रही है मैं उठता बैठता हूँ जहाँ पर भी तो कहीं पर मुझे लगता है मुझे करेक्ट कर देना चाहिए कहीं पर मैं खामोश रहता हूँ सुन जितना भी हम सुनते हैं हमें पता है ये ये और मेरे ख्याल से शायद यही हमारी उम्र का तकाजा है कि हम उसे एक्सपीरियंस करने दें वो गिरना चाहता है तो ठीक है वो नहीं समझ पा रहा होगा नहीं ऐसे द बॉटम लाइन ऑफ द होल थिंग इज़ जिंदगी रिश्ते सिस्टम्स मैजिक वॉन्ड से नहीं चेंज हो सकते कि भाई मैं आज एक छड़ी लाऊंगा और सब मेरे मुताबिक हो जाएंगे जो मेरी अलाइनमेंट है अंदर के दिल के अंदर की माइंड हा, आपका हार्ट और माइंड अलाइन नहीं हो सकता आप कह रहे हैं दुनिया आपके साथ अलाइन हो जाए बैलेंस हो जाए वर्ड जो है नो इसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है और उसमें आपको एक टाइम पर अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा भैया इस तरह से नहीं हो सकता ये गेंडे की तरह सर मारने से ये दीवार नहीं टूटेगी वो टूट गई थी ये नहीं टूटेगी तो यहाँ तो मैं सींग नहीं मारना यहाँ तो मैं कुछ और यूज करना वरना तुम बर्न आउट हो जाओगे और तुम थक जाओगे तुम नहीं कर सकोगे सो तो अगर हो नहीं सका ना तो इसके ऊपर हमारे यहाँ स्केप सबसे अच्छा भी मुकद्दर में नहीं लिखा था बड़े अच्छे स्केव, हमारे स्केव बहुत अच्छे हैं भाई हमारे तकदीर में नहीं लिखा हाँ भाई तुम्हारी तो तकदीर में ये 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 लिखा हुआ था ना कि तुमने दीवार पे सर मारते रहे न और इसी तरीके से मेरे वो बंदर की गुलाटी वाली जो बात इसको मैं रिलेट करता हूँ बड़ी पुरानी बात है आज से पांच छह साल भरी और आपको ऑफिस भी आती थी बड़ी कि आप फला जगह पर ब्रांच खोल लें इंस्टीट्यूट की वहाँ खोल लें तो बल्कि मैं भी कह रहा था और टीम भी कह रही थी, थी आपको शेख वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और वहाँ पर बोला ये अभी नया है, नया है जो है ना हाँ। जज्बात होते हैं। ऐसे नहीं कि एक शहर के अंदर ही ब्रांच खुल जाती है च आप कहते हैं खोलना आसान है चलाना मुश्किल है देख लो ना कितने नाम आए हैं दो हजार उन्नीस अट्ठारह उन्नीस के बाद से कितने नाम आए फील्ड में आज वो आए आज नहीं वो बिल्कुल सही किया उन्होंने उन्होंने एक हाइप क्रिएट की उस हाइप से उन्होंने अपने बंदे निकाले और उससे अपने इंटरेस्ट और मीन्स कर दिया हाइप को आपने समझा कि वो इनकलाब था ऐसा कुछ भी नहीं था उन्होंने आके एक रिपल क्रिएट किया और उस रिपल को उन्होंने कैश आउट किया दैट सेट यू उनकी स्ट्रेटेजी के लिहाज से ठीक था तो उन्हें भी खुश रहना चाहिए दिस इज वॉट दे केम फॉर दिस इज वॉट दिस इज वॉट दे डेड एंड दिस इज हाउ इट दोस्त अब हमें तो इस पर बात करनी चाहिए भैया कि जो लोग कुछ चला रहे हैं कुछ बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं हिसाब किताब अगर तो वो चैनलाइज हो चुके हैं जिस पर आज मैं चाहता हूँ बात हो क्या चीज़ें चैनलाइज होनी चाहिए तो हमें उसकी फिक्र नहीं अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देगा और वो कामयाबी देगा जो रहेगी बाकी अगर एक इंसान के अंदर चैनलाइजेशन नहीं हुई उसके अंदर की इंटरनल स्परिचुअल अनाटमी बैलेंस नहीं हुई भी तो वेरी प्रोन के वो किसी भी बनी बनाई किंगडम uh, के अंदर जो है ना पूरा पोटेंशियल रखता है आग लगाने का आग लगाने का भी या खुद को आग लगाने का बर्न आउट हो जाए मेरा वर्ड जो अच्छा है ना वो बर्न बर्न आउट आउट सो विल गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस दीन दुनिया बैलेंस फैमिली वर्क बैलेंस तो जितने भी इंसान अब वो हर इंसान डिफरेंट डोमेन्स के अंदर uh, होता है जो बंदा है ही सिर्फ वर्क और लाइफ के बीच में अब लाइफ से मुराद क्या है फैमिली है फैमिली तो उसके दो चीजें लो तो लो वर्क वर्क तो कि डुबें, ये, ये लोग चला रहे मसला ये आगे क्या खड़ा हुआ है ये नहीं पता इनको यहीं पे तो वेयर हमारे मशवरे जो हैं वो कॉम के लिए फायदेमंद है अभी इसको पता नहीं है कि क्या होगा लेकिन बेस हमारी आज ये है जज्बात में चीजें स्टार्ट करना बल्लियाँ ले लेना जिंदगी में या चैलेंजेस ले लेना नहीं ठीक है शुरुआत के लिए अच्छा है ये शुरुआत करवाने के लिए ये अच्छा है नहीं वो शुरुआत के अंदर वो दस चीज़ें स्टार्ट कर ली ना उसने हाँ तो ठीक है सही है लेकिन <laughs> पॉइंट यहाँ पर ये मैंने कहा ना सफर लंबा है ए ए ये इस तरह ये आप आपको श्रेड करना पड़ेगा तो जुमला ये है श्रेड करना पड़ेगा कि मैंने एक बच्चा है उसको बोला कि जाओ तुम इस गार्डन में और जो दो तीन अच्छी टॉफीज या स्वीट्स लेके आ जाओ ठीक है वो बीस चीजें लेके आ गया क्योंकि वो बच्चा है अब सफर के अंदर हमें पहाड़ पे चढ़ने रहे हो मैं उसे आहता आहता कहूंगा कि ये सारी चीजें जो तुम लाए हो ना इसके वेट और वेलोसिटी और मैथ की वजह से ना तुम्हारी टांगों पे असर पड़ेगा तुम्हारी हाइकिंग और रिक्लाइन पोजिशन है इस टाइम पर इंक्लाइन पोजिशन है तुम्हारे से नहीं होगा ये श्रेड सम वेट अब वो ज़िद कर रहा है मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता ये वाली टॉफ़ी मैं नहीं छोड़ सकता ये स्वीट मैं नहीं छोड़ सकता ये कॉफ़ी मैं नहीं छोड़ सकता तो ये जब टांगों पे बोझ पड़ेगा ना तो खुद ही फेंकना पड़ेगा बात ये है कि अगर मोमेंटम बन गया और मोमेंटम के अंदर वो आ गया तो फिर श्रेडिंग और फेंकना आसान नहीं अगर मोमेंटम नहीं बन सका इसकी आप स्नोबॉल इफेक्ट से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो जो स्नोबॉल होती है वो शुरुआत में ना छोटी होती है छोटी होती है बिखर जाती है इतना है, होता ही नहीं है कि वो गोला बन सके सख्त होगी कहीं मेल्ट हो जाएगी कहीं आपस में जुड़ नहीं सकेगी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बन ही नहीं सकेंगे स्नोबॉल बन ही नहीं पाता और फिर ये सब भी हो जाए तो फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन मार देती है उसको उसको वेलोसिटी नहीं मिलती उसका मास नहीं बनता इतना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पोसिबल कि वो एक स्नोबॉल इफेक्ट में आए वहीं पे एक बर्फ मर जाती है अपने अंदर सो इट टेक्स वेरी हार्ड फॉर अ स्नो बॉल टू फॉर्म दिस स्मॉल स्नो बॉल एंड इट्स अ वेलोसिटी ऑफ गोइंग अब जा रही है जा रही है जा रही है। एक टाइम आएगा कि अगर उसने सही मास पकड़ लिया और सही चीजें जोड़ ली अपने अंदर और वेलोसिटी भी मिल गई उसको तो फिर उसे पुश नहीं चाहिए होता सही है वो खुद ही उठाएगा वो खुद ही ले रहा होगा जो क्या लेना है और क्या फेंकना है वो एक नेचुरल स्पीड खुद ही बहुत कुछ हटा देगी आपसे और क्या उसने मैग्नेटाइज करनी है वो खुद ही बना लेगा स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरक्की का राज ही है कि आपने वहाँ तक मेहनत करनी होती है जहाँ तक वो सारे पैरामीटर सेट हो जाते हैं फिर वो खुद उठाते हैं और ख़ुद डिस करते हैं और वो स्नोबॉल आपका इतना बड़ा एवलेंच बन जाएगा एक टाइम के ऊपर क्या आपकी सोच होगी कि इट क्रिएट्स ह्यूज इम्पैक्ट्स इन इन द इको लेकिन अगर आप शुरुआत में ही थक गए बर्न आउट हो गए नैचुरल पुश नहीं मिला आपको एक फ्लो नहीं मिला आपको लाइफ के अंदर चीज़ें मतलब इसको मैं एंड ऐसे करूँगा आगे टॉपिक पे जाने के लिए ज़िंदगी को आपने वहाँ तक लेके चलना है कि सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, ऑटो में हो जाएं सब चीज़ें और आप भी ऑटो में चल रहे हो उनके साथ तो ही आप एक बड़ी सल्तनत बना सकते हैं जिंदगी में लेकिन जब आपको टोल फील हो रहा होगा ना और वो टोल आपसे लेगा कुछ वो आपको तंग करेगा आपको बॉदर करेगा आपको वेट आपके ऊपर वेट होगा उसका तो आप बर्न आउट होंगे आप थकेंगे आप फटेंगे आप इंगेज होंगे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स के मुंह लगना शुरू हो जाएंगे अपने चैलेंजेस से मुंह लगना शुरू हो जाएंगे उसके ऑलवेज रिमेम्बर द चैलेंज एंड द थिंग्स अराउंड यू विल ईट यू ईट यू आउट वो आप, आ, आपने उस मोमेंटम में आना है जितनी भी ज्ञान झाड़े हैं ना हम बैठ के उसको मोमेंटम में लाने के लिए मोमेंटम के अंदर वो शुरुआत का क्वालिफाई कर सकता है तेजी के साथ जज्बात के साथ ये भी कर लिया वो भी कर लिया उसमें भी चलिए ये एक साल छः महीने दो साल तक चल जाएगा सही है। ये बीस साल का गेम नहीं है इस तरह पंद्रह साल में इस तरह नहीं हो सकता उसे कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी जो ऑटोमेशन की आप बात करें uh, when, when और क्या किया अच्छा, रोटी भी छोड़ दी ये भी कर दिया तो विल दिस कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स और ये छह महीने का बूथ है क्योंकि अगर छह महीने बाद आपने छोड़ दिया तो इसने जो करना है आपके साथ बाद में ज्यादा है तो, इस, इस, कहते हैं लाइफस्टाइल बनाने वाली है ऑटो में हो जाए चीज है आप, आप सब खा रहे हैं आप थोड़ी बहुत चीजें थोड़े उसमें खाएं क्वांटिटी के अंदर करें ऑटो में करने के लिए आपकी सबसे बड़ी जंग आपके नफ्स के साथ होगी सही है एक आपके साथ जितनी भी चीजें लाइफ में जुड़ी हुई है ना जिन्हें आप वर्क लाइफ बैलेंस कहें या दीन दुनिया बैलेंस कहें या प्रोफेशनलिज्म और पैशनिज्म और 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 को यू हैव टू सेट द स्केल और वो चीज अपनी जान छुड़ाएगी उस स्केल पे आने के लिए जिस दर आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है वो पूरी जोर लगाएगी आपके हाथ से निकलने के लिए तो वो एनर्जी अगर उसको वहां तक लाके सेट करने में जो लगेगा माइंड दैट्स रियल वर्क आई वुड से फॉर एग्जाम्पल आपकी लेट स्टार्ट विद योर वाइफ आपको ये पता होना चाहिए कि इस वॉट वॉट इज योर विजन विद योर वाइफ वॉट इज हर एप्लीकेशन इन योर लाइफन इन योर लाइफ और वॉट इज हाओ मच एनर्जी बूस्ट शी इज इन योर लाइफ एंड हाउ मच एनर्जी शी टेक्स फ्राम योर ब्रेन एंड योर लाइफ ये सब चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेंगी अमूमन मर्द हजरात जो होते हैं ना वो अक्सर लोग अब तो शायद औरतें भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो रही हैं इन लोगों को ये नहीं पता होता कि जिंदगी के किसी एक पार्ट के अंदर ही अपना सारा मवाद नहीं डाल देते सही है ख़ुशियाँ एक, एक करियर ले लिया अक्सर लोग करियर को सिक्सटी परसेंट प्लस दे देते हैं अपना सही है 25 वाइफ को जाएगा या वाइफ को जाता है इनका 10 15% बच्चों का हो जाएगा 10 परसेंट इनका सोशल सर्कल हो जाएगा तो 45 50% की लाइफ 40% की लाइफ इनकी होगी पर्सनल रिलेशनशिप्स की 60% इनका करियर ओरिएंटेड स्ट्रगल होगा सही है ये शायद मेरे वाले साहब के टाइम से था वो तो 70 पे थे नहीं आप, वो ये, ये तो आपकी बात करें पहले तो बच्चों को क्या बहुत सत्तर परसेंट दस, दस पंद्रह परसेंट घर को देती है बाकी आ, अब ये शायद शिफ्ट हो के लोगों में थोड़ी सी लाइफस्टाइल का सेंस आ गया तो फिर भी 50, 60 आपको देना पड़ता है अपने आप, मिड ट्वेंटीज में, मिड के अंदर। और उसमें लोग ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वाइफ के साथ बच्चा बनाने के साथ फैमिली बनाने के साथ और सोशल सर्कल एक अच्छा लॉयल वफादार सिंसेर लोगों के साथ कंपेटेबल लोगों के साथ <coughs> तो जो भी चीज़ इनको आ रही थी वो यहाँ उठा रहे होते हैं वो यहाँ इवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहे हैं यहाँ लाइफ चेंज कर रहे हैं करियर पैसा ये बनाने के अंदर लोगों से मिल रहे हैं डाइवर्सिटी अपना रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं इधर सब कुछ डाल रहे हैं वो अपना इसलिए जो ह्यूमन माइंड है उसको ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ होती है ठीक है और वो ज़्यादा एनर्जी अपने आप को बूस्ट करने की काम से लेता है ऑफिस से लेता है करियर से लेता है फैक्ट्री से लेता है सॉफ्टवेयर हाउस से लेता है अपने प्रोफेशनल सर्कल में लेता है वहां पर उसकी वो जो है ना उसका क्या कहते हैं उसको वो जो एक हाई मिलती है वो उसको वहां मिलती है इसका नुकसान इनको ये नहीं पता कि इस मॉडल के अंदर जहां पर आप अपनी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उसे सिर्फ 20 परसेंट तक आपने अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा दिया हुआ है दस परसेंट बच्चों को दिया हुआ है बच्चे अगर नहीं हैं तो आपने बीस परसेंट वाइफ को दिया हुआ है बीस पच्चीस परसेंट दोस्तों यारों को सर्कल को दिया हुआ है इस ये होना भी इसी तरह जिस तरह शुरुआत में तो यही करना पड़ता है क्योंकि उसको ज़्यादा खाद देंगे तो वो ज़्यादा हो गएगा लेकिन ये शुरुआत में हो सकता है लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना आपको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बूस्टिंग होती है ना इंसानी रिश्तों के अंदर वो आपकी बीवी से होगी अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है एक विजनरी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है एक कंपेनियनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है और उसकी आपके साथ नहीं है एक वेंट आउट रिलेशनशिप नहीं है कि आप दिल की भड़ास निकाल सकते हो अपनी परेशानी बता सकते हो दोनों मिलके के सीरियस डिस्कशन कर सकते हो दोनों मिलके आज का चैलेंज डिस्कस कर सकते हो दुश्मन डिस्कस कर सकते हो अगर ये रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं है ना तो वो एनर्जी जो उसने लेनी है ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या ह्यूमन से जिससे वो बूस्ट लेगा किंगडम संभालने के लिए अगर वाइफ से नहीं लेगा ना तो ये आने वाले वक्तों के अंदर ना वो इसके साथ इतनी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कि वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू करेगी इसके साथ क्योंकि दोनों में नहीं रहेगा ना कम्पेटेबिलिटी रहे उसको संभालने के उसको बनाने के उसको समझाने के उसको जो है वो नर्चर करने का जो टाइम था वो तो आप कुछ और बनाने में लगे हुए थे सही अब अगर वो आठ साल की शादी के बाद इशूज क्रिएट कर रही है या वो लोनली uh, फील करने की वजह से फ्रस्ट्रेट होती है या वो फजूल के मूड स्विंग्स दिखाती है या वो फजूल के आपके साथ झगड़े करती है और या आपका टाइम स्क्वीज करने के लिए लड़ाइयों को लंबा करती है एक बीवी वो है जो आपको दस मिनट की टेंशन देगी और पंद्रह मिनट के अंदर आपको रिलैक्स कर देगी कि यार इससे ज्यादा मत दो क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत लिया हुआ इससे और उसने भी मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी बहुत कुछ दिया सही है तो जो हमने दुनिया बनाई है दोनों ने मिलके उसके अंदर हम 10 परसेंट दस, दस मिनट की डिसरेप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं एक घंटे की नहीं अगर मैं इसको एक घंटे का इसका दिमाग ख़राब करूंगी या ये मेरा एक घंटे का दिमाग ख़राब करेगा तो हम दोनों की जो एनर्जी सकर्स होंगे वो इतने ज़्यादा और इंगेज हो जाएंगे कि ना ये काम कर सकेगा ना मैं कुछ और देख सकूंगी अच्छा ये उनकी सोच होगी जिन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके टाइम दे के घर बनाया होगा फैमिली बनाई होगी टाइम दिया होगा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे वो सही है अच्छा उसके ऊपर ज़्यादा टोल आएगा इंटीग्रेशन का जिसके पास काम बहुत है सोसाइटी बहुत है तो इसलिए मर्द के ऊपर ये टोल इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि उसको एक दुनिया खींच रही होती है पैसा खींच रहा होता है ताल्लुक खींच रहे होते हैं उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसने गाड़ियाँ खरीदनी है उसने बंगले बनाने हैं उसकी दोस्ती उसकी बाहर पब्लिक लाइफ है उसके क्लाइंट्स हैं उसने उनको कन्विंस करना है उसने सेल क्रैक करनी है दिस गिव्स गिज अ लॉट ऑफ एड्रेलिन नो तो उसको ज्यादा पुल आएगा वहां से तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि वो इस रश को दरवाजे के बाहर छोड़ के आए और टाइमिंग्स का ख्याल रखे और इधर इसने बहुत टाइम के साथ डेवलप होना है तो शादी शुरू के पहले सालों के अंदर इट्स रियल फन यू नो बट आफ्टर एट मंथ्स जब ग्राफ थोड़ा नीचे आता है सो यू गेट द रियलिटी चेक बैक शादी और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप उस हाई टेंशन वायर में तब बनेगा जिसमें छह आठ साल लग चुके होंगे अक्सर मर्द इस एरिए में एक साल के बाद शादी के औरतों को अबेंडन कर देते हैं और एक कल्चरल टैबू आ जाता है कि भाई तीन कार संभालो असी बाहर संभाला गया तो दुनिया रहा है तू वे अपने कार बच्चा हो गया तो उसको उसके साथ लगा देंगे औलाद हो जाती है तो फिर उनकी आपस के अंदर वो इं 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 इंटीग्रेशन सही प्रॉपर नहीं हो पाती तो ये इसको अभी आइडिया नहीं होता कि ये अभी ये कर सकता है वो मजबूर हो सकती है वो चुप हो सकती है वो दब सकती है लेकिन वो जो सात साल बात करेगी ना इसके साथ या आठ साल के बाद या दस साल के बाद वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं है फिर ये ठीक भी करना चाहेगा ना वो तो ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसको दस साल खराब किया है खुद ही दस साल उसने अपने उसको मतलब उसको आपके पास कोई बात है तो कर लू मैं तो और क्या डालू मैं इसके अंदर कि इन्होंने हजरत ने उसको दिया ही कुछ नहीं सही है और जो दिया है उसके साथ वो ठीक है भाई आप अगर अपनी बीवी को आ, अभी पंद्रह परसेंट पे आराम कर लेते हो मिड ट्वेंटीज में अर्ली शादी में तो वो अभी इसलिए उस पंद्रह परसेंट के क्योंकि उसका स्कोप ऑफ स्पेक्ट्रम छोटा है सही है बाय थर्टी वो खुद टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पे खड़ी होगी तो आपका पंद्रह उसको जो एट्टी लगता था आपका पंद्रह सौ चालीस लग रहा होगा इस टाइम पर वो खुद मेंटली टू फिफ्टी का एक्सप्लोर मार चुकी है सही है तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरी पूरी किंगडम के अंदर भूख भी बढ़ रही है लोगों की एक्सपोजर बढ़ रहा है स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है डिमांड्स बढ़ रही हैं और मुझसे ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि वो मुझसे जुड़े में लीडर क्योंकि मैं हूँ सल्तनत क्योंकि मेरी है तो सबसे रैशनल सेंसिबल मुझे होना है और मैं एक्सपेक्ट करूँ की ये समझे ये दूसरी बेवकूफाना अप्रोच एक एक सकसे, एक एक सक्सेस के लैडर पे चलने वाले की कि आप समझे मुझे।, मुझे तुम समझो ना मुझे तो मेरे मसाइल को समझो पर... स... ये बेवकूफ आदमी की वो क्यों समझेंगे वो तुम्हारा जूज है वो इस पे कहते हैं कि भाई वो समझ नहीं रही या जो है आ, मेरी परेशानियों को मेरे स्ट्रेस को नहीं समझे, वो क्यों समझे आपने उसको वो स्पेक्ट्रम दिया है जिसके अंदर आप एक जूज हो और उसका कुल कुछ और आप उसका कुल हो वो आपका कुल नहीं है अभी शायद लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी का जितना भी पार्ट है लेकिन आप तो कुल हो ना उसका अब आपने उसको आठ नौ साल नहीं दिया वो टाइम यानी आपने अपनी रिलेशनशिप को नहीं बिल्ड किया मिड थर्टीज में भी आप नहीं बिल्ड कर रहे हैं बारह साल की शादी हो चुकी है पंद्रह साल की शादी हो चुकी हुई अब भी आप उसके अंदर ये नहीं कर रहे और वो चालीस साल की हो चुकी है या वो पैंतीस साल से प्लस की हो चुकी है शादी को तेरह चौदह साल हो चुके है और आप अब भी नहीं दे रहे उसको तो उसने जो करना है ना आपका कूडा जो वो करेगी आगे से आगे आप, आपको अंदाजा नहीं है वी गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अगर आपने नहीं दिया टाइम या आपने नहीं बिल्ड किया नहीं एक्सपोजर दिया इसको आप ऐसे भी लें कि आपको आठ दस साल के बाद आपने बाईस साल में लाइफ शुरू किया है पच्चीस में किया पैंतीस में किया सत्ताईस में किया पांच से दस साल के बाद आपको जो भी आपने बनाना है जो भी आपकी चीजें होंगी वो इम, वो अपनी वेट मास और वेलोसिटी के मुताबिक आपसे इंपॉर्टेंस मांगेंगी वो आप पे टोल होगा सही है आप जहां पे सबसे ज्यादा मेंटली इंटीग्रेट हुए ना वो सबसे बेवफा डोमेन है करियर प्रोफेशनलिज्म में आपको प्यार नहीं मिल सकता प्रोफेशनल सर्कल से आपको लॉयल्टी नहीं मिल सकती प्रोफेशनल सर्कल से आपको एम्पिथी नहीं मिलेगी प्रोफेशनल सर्कल से आपको सिंपथी नहीं मिलेगी आपके करियर ओरिएंटेड सर्कल और सॉकेट्स और पॉकेट के अंदर से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी आपको खुशामद मिलेगी चापलोसिया मिलेगी पॉलिटिक्स मिलेगी आपको वहां पर तेज तरारी मिलेगी आपने सुना है कभी आर द कॉर्पोरेट्स

और ये भी रहे लेकिन अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को या अपने बच्चों की लाइफ को अपना पैशन नहीं बनाया ना दिस इज द बिगेस्ट डिफीट ऑफ योर लाइफ एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा वेटिंग फॉर यू जिस दिन आपको ये फील नहीं आई ना कि यार आई ए फील सो फुलफिल्ड कि मैंने एक घर बनाया मैंने एक बीवी और एक बच्चों के साथ एक फैमिली बनाई मैंने उस फैमिली को एक परवान चढ़ाया मैंने उस बीच को खाद दिया पानी दिया सनलाइट दिया नर्चर किया ये फैमिली मेरी ट्रॉफी है You're a loser of लेकिन ना अभी 25 साल से 35 साल तो उसकी स्ट्रगल ही इतनी ज्यादा है रूथलेस है उसने मेहनत करवाई अगर पच्चीस साल के आदमी को एग्जिस्ट करने के लिए इस साइड पे प्रोफेशनल साइड पे खून देना है अपना तो वो यहाँ पर जितना भी दे वो बहुत क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव ना देमा। करें इसको फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी बीवी को एक घंटा दे रहा है यहां पर ठीक है चौबीस घंटे में से वो इतना क्वालिटी टाइम होना चाहिए उसका उसके साथ कि वो एक घंटा सफाइस कर जाए उसकी पूरी पांच घंटे की एबसेंस को आपको लगता है मर्द करते हैं ये या जान छोड़ा रहे होते हैं मैं कुछ बोल नहीं सकता <laughs> <laughs> मर्द असल जान छोड़ा रहा होता है कर भी रहा होगा ना तो उसका माइंड मोबाइल ऑन है क्लाइंट्स आ रहे हैं टेंडर देख रहा है अपनी फेसबुक ऑन कर रहा है टाइम देख रहा है थ्रेड्स चेक कर रहा है ये चीजें नहीं कर सकते आप भी बच्चों के साथ कम भी देना है ना इतना क्वालिटी दें आप उनको कि वो सफाइस कर जाए कि वो कहे हाँ भाई ठीक है दिस इज गुड इनफ उसी में फिर आपने समझाना है कि मेरी जिंदगी के अंदर इतने परसेंटेज के प्लेजर के लिए ना मुझे इतना परसेंट पेन लेना पड़ता है यही आपने वहां समझाना है कि तुम मेरा सब कुछ हो वो नहीं है मेरा सब कुछ वो मेरी मजबूरी है तुम मेरी जरूरत हो ठीक है तो ये जरूरत जिसके तहत हम आज एक घंटा सुकून का गुजार रहे हैं या हम पाँच घंटे कल को सुकून का गुजारे हैं उसके लिए तुम्हें मुझे जाना मुझे भेजना पड़ेगा आज तुम इन्वेस्ट करोगी मेरे साथ तो कल मैं तुम्हारे साथ छः घंटे स्पेंड कर सकता हूँ सुबह के वक्त में हम बाहर जा सकते हैं लेकिन आज अगर मैं पाँच घंटे यहाँ पर लगा दूंगा ना उस तरीके से तो कल को मैं वहाँ मजदूरूँगा और फिर मैं उस मजदूरी में जो टाइम दूंगा वो भी कम होगा और जो दूंगा वो भी सड़ा हुआ होगा तो ये बहुत प्यार से आपने समझाना है अपनी वाइफ को अपनी अर्ली मैरिज के अंदर 25 साल के आगे कि भैया ये शुरू के पांच सात साल आठ साल तुमने मुझे वहां देना है उसके बाद लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए वो सच्चा होना चाहिए वो टोल वो ऑनेस्टी वो इन, वो दिख रही हो उसको महसूस हो ही सिंसे डूइंग दैट लेकिन इसमें आपने जो एक बात की फॉर एक्साम्प फुलफिलमेंट उसको मिलनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल लिस्ट टू हाई फर्स्ट एडवाइस लिसन टू योर वुमन स्टॉप गिविंग योर ग्ञान टू हर जस्ट लिसन टू हॉट शीज सिंग वो अट्ठारह साल की है पच्चीस साल की है या तीस साल जस्ट लिसन टू द लेडी मैन जस्ट लिसन टू हेट स अक्सर मशवरे मिलते हैं भाई यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो ज्यादा बस लिस वॉट चीज से वो डिसऑर्डर्ड हो फॉर्मैट हो डिसइंटीग्रेटेड हो डिसरेड हो लिसन टू योर गिव हर इयर्स सुने उसको मेक हर फील इंपॉर्टेंट मेक फील रिसोर्सफुल बीवी के साथ गुजारा हुआ एक डेढ़ घंटा या दो घंटा भी हो इट शुड बी सो पावरफुल के लेकिन वो बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड को मोहब्बत डिमांड करेगी ना ज्यादा तो अगर हमने वहां से एग्जिट लेके कुछ और बनाना है तो वो घर खराब करके नहीं कर सकते आप तो आपने वहां पर उतनी देर बैठना है जब तक कि वो इजाजत नहीं देगी आपको या गो डू योर थिंग फिर आपने आना है फिर उसके नर्स ने कोई इशू करना है ये कंसिस्टेंट आठ नौ साल की फाइट डू यू थिंक पीपल विल गो फॉर इट कि ये आगे के मेरे रिटायरमेंट मिड लेट थर्टीज मिड फोर्टीज़ के लिए मेरी ये जन्नत बन जाएगी ये मेरा घर बच्चा है अगर अब मुझे मैं तो लेट पेरेंट बनो ना फोर्टी में आप तो अर्ली पेरेंट है शादी के एक साल दो साल बाद ही औलाद होगी मगर आपने नई नूरे से हिसाब वक्त लगाना कोई मसला नहीं

और यही हजरत जी करते हैं जो नॉर्मली सेवेंटीज के लोग थे कि भाई अब तुम हमारे साथ हम, हम तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं साठ में आके वो कोई वही वो नहीं है कॉमन पॉइंट ही नहीं है, से नहीं है कुछ नहीं। ही नहीं है बच्चा ही कुछ नहीं बायोलॉजिकल पेरेंट है आप सिर्फ आपकी और मेरी तो सिर्फ अनाटमी और बायोलॉजी बायोलॉजी और डीएनए मैच करता होगा बाकी तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं है वक्त ही नहीं गुजारा हुआ सही है अब आप चाहते हैं कि कंबाइंड सिस्टम में हम आपके साथ रहें और आप आपने 40 साल लगा दिए अपने उस करियर को अब आप ये गलत है सो लेट्स इट डाउन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ इज के आपने उसको इतना देना है कि वो शुरुआत में आपको जाने दे, नोइंग द टोल के वो बढ़ता जाएगा hmm. फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हर चीज आप ये सारी पॉलिटिक्स करते रहोगे मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रुइनिंग द गेम अगर आपने अपने पार्टनर को एग्जॉस्ट किया उसे, उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया और आपने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया हिस्सा वो लेके जा रही है और बच्चे लेके जा रहे हैं सिक्सटी ये लेके जा रहा है और दस परसेंट के बीच में आप अपना स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा कलर कर तो अगर आप हंड्रेड परसेंट पैक्ट हो गोल्डन रूल ऑफ माई गोल्डन रूल इज सौ परसेंट साइकोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एट हंड्रेड के प्लस का आपको एनर्जी कैपेसिटी चाहिए अगर आप में हजार थाउजेंड परसेंट का एनर्जी पैक है तो ही आप सौ परसेंट की साइकोलॉजी कंट्रोल कर सकते लेकिन अगर आप सौ बटा सौ पे चल रहे हो बर्न आउट कि किसी को देने के लिए किसी का खाना पड़ेगा भाई पच्चीस तीस परसेंट फैमिली को जा रहा है साठ परसेंट प्रोफेशनल लाइफ को जा रहा है दस पंद्रह परसेंट यहाँ जा रहा है तो योर पैक हो गया ना बाप। अब आप इसमें किसी ने भी पुश देना है ना आपको एक डिसरेप्शन आनी एक फ्लिकर आना है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप सौ से ऊपर के आदमी नहीं हो कि आपकी औकात सौ की और आपने बांट दिया सौ इसकी मिसाल आप ऐसे ले जनरेटर जब खरीदते हैं ना घर का लोड तो आप रनिंग लोड के मुताबिक जनरेटर नहीं लेते भाई मेरे घर का रनिंग लोड जो है वो बीस के वी है नहीं भैया मशीनों का टॉर्क लोड देखा जाता है कि जब आप स्टार्ट करते हो हुँ. तो जब सारी मशीन इसलिए वो कहते हैं ना एक एक करके स्टार्ट करें हु. फिर भी एक एक करके भी आप स्टार्ट करें या फैक्ट्री का टॉर्क लोड होगा पांच सौ केवीए का रनिंग लोड होगा तीन सौ अस्सी केवीए का तो अगर आपने 380 सौ केवीए के, के रनिंग लोड और 500 सौ केवीए के, के टॉर्क लोड के बीच में 400 सौ केवीए का जनरेटर लिया तो जैसे उस पर पांच सौ का लोड स्टार्टिंग में आना जनरेटर फट जाएगा आपका बैठ जाएगा वहीं पर क्रेंगशॉप टूट जाएगी आपकी सेम गोज विद यू आपका रनिंग लोड जो आपकी रिलेशनशिप्स में और आपके मुख्तलिफ एवेन्यूज पर जो चलता है ना रूटीन में रूटीन लोड जिसे कहते हैं उसके मुताबिक एनर्जी नहीं रखते हैं टॉर्क लोड के ऊपर एनर्जी क्योंकि कहीं, कहीं से भी आ सकता है ना कोई भी बीमारी हो सकती है किसी का मूड स्विंग हो सकता है सामने लैंप पड़ा हुआ आज ही है तो कल भी है वो हिलेगा ऑफिस के अंदर कोई हो सकता है कोई लीफ पे चला जाए या छोड़ के चला जाए उसका भी टोल आ जाए या हो सकता है किसी का मूड खराब आप समझ लें आप द यू आर यू आर चेंजिंग एवरी डे दे आर द यूनिवर्स देर चेंजिंग एवरी डे सो टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर टूडेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी टू प्लस टूल टू फोर टूमोरोना पड़ेगा ना उसको मैनेज करने के लिए अब hmm. आप बताए के बात बड़ा गोल्डन बात आ गई यहां पर ये तो दुआएं देंगे लोग हमें बात ये आप तरकीब से नहीं सोल्व कर सकते कोई स्ट्रेटेजी से रिश्ते हैंडल नहीं हो सकते एक ने एक टाइम पर आपकी फैमिली आपके गले तक आ जाएगी आप जितनी गेम घुमा लें बातें घुमा लें टोपियां करा लें जितनी तावीलात कर लें वन डे दिस होल किंगडम ऑफ योर्स विल कम टू योर नेक यस तो गर्दन का साइज बड़ा करना चाहिए या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चेंज करनी चाहिए okay. <laughs> गर्दन का साइज बड़ा करें ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो गला दबाने के लिए चीजें आ रही हैं वो रहम कर लेंगी या उनकी हाथ की ताकत कम हो वो तो बढ़ता जाएगा बल्कि गर्दन का साइज बड़ा करे आदमी यू कैन नॉट हैंडल द आप अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को किसी प्लानिंग स्ट्रेटजी से नहीं चला सकते आपको बहुत बड़ी परसिवियरेंस और बहुत बड़ा सबर और बर्दाश्त और वसत और बड़ी कैपेसिटी चाहिए और वो सिवाय अपने नफ्स की वसत और अपने सीने को खोलने के अलावा और कोई हल नहीं है सही है। तरकीबों से नहीं चलते लोग प्लानिंगों से नहीं चलती सिस्टम सिस्टम चलता है सिस्टम में स्ट्रेस लेने का टोल कितना है सही है। तो अगर वही आपका नहीं बढ़ रहा यानी आप छोटी छोटी बातों पे ऑफ हो रहे हैं किसी की बात पकड़ लिया आपने किसी को माफ नहीं कर किया ये नहीं भी करें वो इतना बढ़ा देंगे कि आपको माइंड करना पड़ेगा आप थक जाएंगे एक टाइम पर आज आप बर्दाश्त इसलिए कर सकते हो कि आज मंगल का दिन है कल आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगे भाई क्योंकि कल बुध है hmm. मैं मंगल वाला आतिफ नहीं हूं आज मैं बुध वाला आतिफ हूं सो ऑन थर्सडे आई एम अ डिफरेंट मैन ऑन फ्राइडे फ्राइडेट मैन इन टू थाउजेंड एंड वन आई एम डिफरेंट थ्री डिफरेंट फाइव डिफरेंट एवरी डे आई एम चेंजिंग एवरी डे आई एम गेटिंग बोर्ड हर दिन मैं सैचुरेट हो रहा हूं मैं बर्न आउट हो रहा हूं मैं हिसाब कता मैं जो आज बर्दाश्त कर सकता हूं मैं कल डेफिनेटली नहीं कर सकता जो आज मेरा मूड अच्छा वो मेरा कल नहीं हो सकता जो आज बात मुझे अच्छी लग रही है वो कल नहीं अच्छी लगेगी और जो कल अच्छी जो बर्दाश्त कर रहा था वो आज नहीं करूंगा मैं और ये तो तुमने बहुत देखा होगा कि जो मेरा एक टॉलरेंट टॉलरेंस का लेवल एक जमाने में था अब नहीं है मेरे अंदर वो मेरे पास उस टाइम पे रीजन था खामोश रहने का अब नहीं है मेरे अंदर अब मैं मतलब मैं कह देता हूं चीजें जो मुझे नहीं सही लगती लेकिन अभी भी हम संभल के तो ये आप बताएं कि चमन को आग अपने हाथ से और ये तो सम, समझने नहीं समझे नहीं, नहीं। लोग ये समझेंगे है? लो, आप उनसे एक्सपेक्ट ना करेंगे वो समझेंगे वो तो आएंगे वो समझेंगे एक तो, टाइम ये भी पार्ट है ना आपने जिस डोमेन में बैठ के उसको समझाना है ट्रेन करना है ट्यून करना है टोल आएगा वक्त लगेगा आपने उसको समझाना है भैया मेरी फैमिली है मैं नौ बजे के बाद काम नहीं कर सकता वो कहता है ठीक है हम किसी और को दे हाँ जी आप देते फिर बातचीत होगी वहां टोल के सर आप मुझे ही ऑफर दें कल सुबह नौ बजे बात करते हैं मैं अभी दस बजे नहीं बात कर सकता मेरा फैमिली टाइम है अभी यहाँ पर वो कहेगा सर अर्जेंट सी है हमारा बिलियन वन बिलियन का प्रोजेक्ट खड़ा है आपने टेंडर यहाँ पे अगर भरा नहीं ना और हमारे सर, रेट्स डिस्कस नहीं किए स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं चल सकता तो अच्छा फिर उसको कहेंगे वो आगे से कहेगी भाई वो रो रहे हैं आपने हमें वादा किया था ये करना है हमने डिसाइड किया था वी हैड टू वॉच दिस थिंग आज हमने मीडिया पे ये चीज देखनी थी फिलहाल फिर आपको उसको धनी फाइव ये भाग दौड़ चलती रहेगी शुरुआत के अंदर शुरुआत की डिसरप्शन आप जवानी के अंदर उसमें जज्बातों ये लॉन्ग टर्म में आप थक जाओगे तो उसके लिए आपके पास पुशिज जैसे कहते हैं ना जो पुशिज आएंगे आपको अपनी जिंदगी में उसका टोल बर्दाश्त करने के लिए ये गर्दन मोटी चाहिए आपको जुस्सा बड़ा चाहिए आपको वो कैसे बढ़ेगी इंसान की बर्दाश्त कैसे बढ़ेगी कि वो इतना पुश अपनी किंगडम का बर्दाश्त कर सके क्योंकि सब ने आके कहना भाई तू भर हमें और अगर आपने छोड़ दिया किंगडम तो लूज कर जाएंगे गेम इज ओवर तो अब आप बताए ना दिल भाई वन मुझे पांच छह पॉइंट्स तो मैं दूंगा ना आगे से और आप अपना बताओ ना कि भाई वो क्या तरीके का है कि इंसान यही माइंड यही दिल जो कल एक बात को बर्दाश्त कर सकता था अब्जॉर्ब कर सकता था कंधों पे उठा सकता था आज नहीं उठा पा रहा कैसे उसको फिर से चार्ज करें कि उसको बात बुरी ना लगे वो लड़ाई ना करें वो फ्रस्ट्रेट ना हो वो चीखे चिल्लाए नहीं वो बर्बाद ना कर दे वो गुस्सा ना निकाल दे वो पावर एक्सीक्यूट ना कर दे वो रेसिपी खराब ना कर दे वो चीज़ें उठा के ना फेंक दे वो गुस्से में गली ना निकाल दे कि चले निकल यहां से बाहर तू वो इवेंचुअली वो यहीं पहुंचेगा या फिर वो छोड़ देगा और मैं कभी भी नहीं चाहता कि एक सक्सेसफुल आदमी का ना करियर कॉम्प्रोमाइज़ हो ना बीवी कॉम्प्रोमाइज़ हो ना दोस्त यार कॉम्प्रोमाइज़ हो ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज़ हो ना मस्जिद कॉम्प्रोमाइज़ हो ना मदरसा कॉम्प्रोमाइज हो ना लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो और इन सब के बीच में जो मी टाइम है जिसमें ना मुझे करियर चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ना मुझे उसके अंदर कोई फैमिली चाहिए मुझे उसमें सिर्फ मेरा टाइम चाहिए मेरे साथ ये भी तो रखना है बीच में सो so, ये सबको शुरुआत में हम नहीं कहते कि यू बिकम सच गुरु क्या मैनेज कर लोगे लेकिन अब तो हम बात कर रहे हैं ना 2024 में तो हमारे नीचे आने वाले जो सुनेंगे वो कहीं ना कहीं तो सोचेंगे ना जैसे मैं इन मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को और ये जो भी लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं सबके सामने यू ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑन द कैमरा आपको मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दस साल बाद ये हॉन्ट करेगा आपको जी हम अपनी अगर प्राइवेट लाइफ इस तरह दिखा रहे हो सो so नो हॉन्ट यू डाउन तो इट्स नॉट अबाउट कि आज क्या चल रहा है इट्स अबाउट कल क्या चलेगा एंड दिस कंटेंट विल बी देयर कंटेंट विल आपकी रिलेशनशिप के अंदर हर वक्त एक एक्टिंग रहेगी हम्म hmm? अगर मैं और तुम हर वक्त सिर्फ पॉडकास्ट ओरिएंटेड मुलाकातें ही करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे आपस में हम हर वक्त तो सोच रहे हो कि हमने क्या बात करनी है हमने किस तरह कंटेंट मैनेज करना नो तो ये तो मेरा मेरे ख्याल से इसी पे पता नहीं टाइम बड़ा निकल लेकिन शेख बात ये है ना कि आपने ये कहा कि बैलेंस रखना है आपने एक लाइन भी लगानी है मना भी करना है लेकिन ये आ, जब आप इत, इतनी यंग एज के अंदर होते हो होती हैं। शुरुआत में इमोशन होगा ना तो उसको यहाँ मजा आ रहा होगा उसको वहां मजा नहीं आ रहा होगा तो कैसे उस वक्त मना कैसे करें अपॉर्चुनिटीज को? उसको सिखा रहा हूँ ना आज मैं उसको समझा रहा हूँ मैं उसको उसको फ्यूचर दिखा के बता रहा हूँ कि ये अभी तुझे नहीं पता इसका आगे कितना खतरनाक नुकसान होगा तो अगर आज से डिसिप्लेंड हो जाएंगे ये प्रिंसिपल्ड हो जाएंगे कि नहीं भाई बीवी के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा सब्सटेंस है करियर से मैं ग्रो होना हूं फैमिली इज द बिगेस्ट ट्रॉफी क्योंकि एंड में ये आप अगर आपको अपने सोफे पे बैठ के अपने लाउंज में द फील ऑफ अचीवमेंट नहीं आती ना कि भाई आई Allah chose me to bring this family together. Allah chose me to put my energy in different बलोंगड़ा in this family. Allah chose me. Allah ने मुझे choose किया कि मेरे through ये घर जिंदा होता है और मेरे थ्रू इसमें लाइफ आती है लोग हंसते हैं और ख़ुद content क्रिएट होता है क्योंकि मैंने वो अराउंड मैंने वो एन्वायरमेंट क्रिएट कर एंड आई लव द इन्वायरमेंट आई वॉन्ट ये सब मेरी frequency पे आ गए <coughs> फिर वो अपना content बनाएंगे जिससे आपको हंसी मिलेगी तो अगर आपने बीवी को नर्चर किया कॉम्प्लीमेंट किया उसको ग्रो कराया उसको उसको विटी भी बनाया उसको फैशन सेंस के अंदर भी ग्रो करने दिया जो बिया बीवी का पर्दे हिजाब में हो उसकी एजुकेशन के लिहाज से भी उसको जितना सीखने का था बच्चों के अंदर भी आपने वो एन्वायरमेंट क्रिएट किया कि बाप किया सर पे होना बेटे और बेटियों के लिए गिव्स देम द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन वो फिर जो आपको देंगे ना फिर तो काम पर या ज़िंदगी में फ़ाइट करने के लिए जो एनर्जी आपको वहां से आएगी ना कि यार यू यू हैव अ रीज़न कि यार मैं सिर्फ अपनी किंगडम के लिए अपने नाम और फेम और अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स और अपने सोशल हैंडल्स और अपने दौलत पैसे के लिए नहीं लड़ा मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ा हूँ यार आई एम फाइटिंग फॉर माई फैमिली आई एम फाइटिंग फॉर माई वुमन आई एम फाइटिंग फॉर माई किड्स तो एक तो है ना कि भाई पाकिस्तानी मर्द उसने तो जिम्मेदारी संभालनी ही संभालनी ये बात नहीं कर रहा मैं तो ये जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं शक्लें देख लें कि आप जो जिम्मेदारियां संभालने वाले मर्द होते हैं ना आप उनकी शक्ल देख लें और जो किंगडम चलाने वाली फैमिलीज होती है ना आप उनकी शक्लें देख लें वो उनका पैशन होता है कि हमें अपना घर है मेरे घर ग्रो करेगा मैंने इन बच्चों को ये दिखाना है यहाँ ले जाना है इस मुल्क में ले जाना है ये वाले कंट्रीज दिखाने एंड ओवर देयर हम मेमोरीज बनाएंगे एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ क्या आप अपनी फैमिली में पुटअप करें अपने आप को और ये जो है ये भी ये अपनी ये इसका अपना नशा है इसकी एक अपनी हाइप है इसकी एक अपनी हाई कि जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप एक अपने बादशाह में एक अलहदा गेम ऑन हो जाता है बंदे आते हैं चीज़ें हैं तो कितना हेल्दी ह्यूमन बींग होगा यहां बैठता है तो इस मॉड्यूल के अंदर उस पूरा फॉर्मुलेट हो जाता है वैसा और उधर होता है तो बिल्कुल फॉर्मुलेट हो जाता है ही इज अ कंप्लीट फैमिली मैन ऑन वन साइड इन इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल ऑन वन साइड और दोनों के पुष्स को उसने पांच दस साल लगा के इस तरह से टाइम लगा के बैलेंस कर दिया कि वो इसकी डोमेन में नहीं आते ये उसकी डोमेन में नहीं आते अब ये उसकी डोमेन में नहीं आए इधर इसको पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी ये उसकी डोमेन क्या इधर इधर जो स्ट्रेटजी है वो डेलीगेशन की है कि भाई आपने शुरुआत में तो गधा मजदूरी खुद करनी है ना सही है दस तो साल बाद भी यही करेंगे आप कुछ अटर खोलेंगे तो हजरत जी खुद अपनी दुकान आज भी खोल रहे हैं तो हजरत जी जो है वो ही फंसे रहेंगे तो जो यहाँ स्ट्रेटेजी और टोल है वो आप, आप अपने जैसा दूसरा पट्टा तैयार करें अथॉरिटी डेलीगेट करें लोगों को बैठाएं बच्चे अगर छोटे हैं तो फैमिली में किसी को लाएं फैमिली से वफा नहीं है टोल ले टिल फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन द मोमेंट यू फाइंड द राइट गाय यू टेक केयर ऑफ दैट चैप ये नहीं करना ना अथॉरिटी देनी है ना राइट बंदा तलाश करना है ना लीडर बनना है ना राइट टैलेंट को ऊपर लाना है फिर उनसे धोखे ले ले लें फिर वो भाग जाएंगे फिर नए बंदे को ट्रेन करना है फिर दस बंदे ट्रेन करने हैं फिर भाग टोल नहीं लेना सो माय क्वेश्चन सवाल मेरा जवाब इंसान हायरिंग क्यों कर रहा होता है अपना अपना टोल देने पहले हायरिंग क्यों करता है अपना बोझ देने बोझ देने के लिए फिर उसी हायरिंग में से बंदों को छांट के क्यों निकाल रहा होता है तैयार करने तैयार करने के लिए फिर उसे मजीद अथॉरिटी अथॉरिटियाँ डेलीगेट क्यों करता है अपनी गद्दी देने के लिए ये सारा प्रोसेस क्यों करता है सुकून लेने के लिए वो किश्ती में बैठा हुआ मछली पकड़ने वाला सही है तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आपने ये काम नहीं करना तो ऐसा शख्स जिसने बेटों को भी अथॉरिटी नहीं दी भतीजों को भी नहीं दी और दी तो वो आए और हमेशा खा के अपनी दुकानें बना गए या मतलब हैरत की बात है भाई सबने अपना ही खोला आपके साथ क्यों क्यों सब ने हमारा तो चलें एक आध केस ऐसा होगा ना कि किसी ने जाके अपना खोल लिया कुछ हमसे ही लिया और हमारे मुकाबले में खड़े हो गए लेकिन एक बड़ी क्रॉप रुकी उन्होंने मेरे साथ चलने का फैसला किया उन्होंने मेरी सरपरस्ती के अंदर मेरी सरदारी के नीचे अपनी जिंदगियां वक्फ की ऑपरचुनिटियों को कुर्बान किया और उन्होंने कहा काबा शेख के साथ ही काम करेंगे जब तक जितना भी अभी तक जीना मरना अभी तक साथ ये मेरी जीत है और इसके पर्स मेरे हैं कि मैं मैं आज उस मजदूरी से आज़ाद हो चुका हूँ जो कभी मैंने खुद की थी किसी मैंने खुद धक्के लगाए थे बैलगाड़ी को आज डेढ़ सौ बंदा वो धक्का लगाता है चीज़। चीज़। मैंने टोल लिया बर्दाश्त किया अगले को बड़ा बनाया उसको डिसीशन देने दिए उसको पैसे का एक्सेस दिया किसी को टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया किसी को क्लासरूम इन्वायरमेंट का एक्सेस दिया किसी को इल्म का अपना एक्सेस दिया चलो यार तुम चलो और क्या कुछ बीच में नहीं हुए हमारे साथ तो तुम नहीं जानते जी

फिर दीनदार घराने से भी थी तो बहुत अलाइनमेंट इश्यूज थे तो 20 बीस दिन अपने कमरे में बैठे रहना शराई के अंदर बैठे रहना फिर तो नेचर भी कुछ इतना मासुमाना सादगी मिजाज का था कि वो जो चंट पने और तेज तरारियां जो होती हैं वो नहीं थी औरों के तरह मसाले लगाना और ये करना तो ऑब्वियसली उस वक़्त उसने बहुत सफर किया तो अगर लेकिन, here's the point. अगर उसने सेक्रीफाइस किया हुँ. तो जब उसने मांगा ना तो अगर मैं कमजर्फ इंसान होता ना तो मैं उसके आठ दस साल की सेक्रीफाइस को उठा के फेंक देता और फिर उसके बाद अपने गमों की बौछाड़ कर देता मैं ये गुजर रहा हूँ मैं उससे गुजर रहा हूँ मैं फला से गुजर रहा हूँ तुम्हें तो मजीद बर्दाश्त करना चाहिए ओके okay. ये कमजरफ मर्द की नहीं जाए अगर कम अगर तो, तो यहाँ पर वक्ती तौर पे किसी का हक मारा जा सकता है वो एक कर्ज है आपके ऊपर वो आपने उतार आपने उतारना है और वो बहुत, आ, ऐसे नहीं उतारना कि आप कर्ज दे रहे हैं एहसान आप ही का था मेरे ऊपर ठीक है इसको आप रन मुरीदी नहीं कहते इसको आप आला जरफी कहते हैं कि भैया अब वो खैर खैर हाँ आप अपनी उसने आपके साथ नेकी की बर्दावा उसका टाइम बनेगा सही

ठीक है आप में कवाम है सरदार आप है लेकिन अगर आपकी दोस्ती रहे प्यार रहे मोहब्बत रहे जंग में साथ रहे तो उसका दिल और आपका दिल दो रूह एक जिसम होने के लिए आपको पुटअप करना पड़ेगा ना कुछ बिल्कुल कहीं पर उसके लिए स्टैंड लेने पड़ेंगे कहीं उसके लिए जंग लेनी पड़ेगी कहीं उसके लिए, उसके लिए उसको हो सकता है।, है आपने उसका उसको टाइम कम दिया हो लेकिन कहीं भी जिंदगी में स्टैंड ऐसा ले लिया आपने आप उसको कुछ इंडिपेंडेंट लाइफ दे दें अभी एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो किसी सिस्टम के अंडर है तो आप उसको कुछ कुछ तो देंगे ना आप उसको यानी वो आप किसी भी मीडियम के अंदर दे सकते हैं किसी भी मीडियम में आप कुछ तो देंगे ना जिसके ऊपर वो आपको कुछ देगी हो सकता है वो थोड़ी आजादी हो तो हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियल लेवरेज हो हो सकता है जो है वो जैसे इस जुमले का आप क्या करेंगे मैंने तो नहीं आपसे कहा था ना कि आप इतने पैसे का दौलत का कम लगा लगाते हम जैसे थे मिसाल में भी खुश थे आप आए देखे वो तो आप एक चीज को मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आपको पता है ना वो तो होगा ये ये तो ये तो 100 तो आप राजी दुनिया में किसी को नहीं कर सकते खुश हाँ, नहीं लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला ने बीवियों को ये सिफर दी है कि वो मान जाती है एक अच्छी बीवी मान जाती है आपको बस ये पता होना चाहिए आपने मनाना कैसे ठीक तो 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 है हमारा ये मेरे ख्याल से वाइफ और वर्क वाइफ लाइफ बैलेंस तो वाइफ बच्चा लाइफ बैलेंस ये बच्चों के साथ भी अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे वो आपको उन्हें नहीं करेंगे तो कल को आपके बच्चे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ ये तो बुलेट है टाइम पर ना मेरा तो बुलेट की तरह मेरी हर, मेरे से और जितने भी मेरा तो बुलेट की तरह चलता है ना, ना और फिर एक, हो, एक हिस्ट्री है कितनी बार पूछती है क्या हुआ आपको मैं बता ही नहीं सकता ना कि दिमाग के पीछे और इस खोपड़े से आगे चलता गया अंदर कुछ भी आगे पीछे हो जाता है ना अभी मैं बात कर रहा हूँ जितने पॉडकास्ट क्योंकि प्रिपेयर्ड पॉडकास्ट थोड़ी किया निकलता गया उतना कुछ है अंदर तो उसके बीच के अंदर न आई टॉक मेरे मुझे अल्लाह ने, ने चौदह साल बादलाद दी कि मैं जैसे ही जुड़ूंगा तो यहाँ से फ़ोन बच जाएगा कभी वो काम करना होगा अपनी एक बनी बनाई मेहनत के लिए काम करना है मदरार के लिए अपना एक अल्लाह ने नाम दिया है एक पाकिस्तान ने इज्जत दी है एक चीज़ें हैं कॉन्टेंट है हिसाब किताब है दूसरे सिस्टम में और लोगों पर नज़रें होती हैं इंसान की पचास चीज़ें देख रहा होता है वो <coughs> खींचती है बंदा कहता है भाई पाँच मिनट का प्यार करे फिर इधर फिर बच्चे को नो यू हैव टू सिट देयर एक घंटा अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना इसको बंद करके आसान काम नहीं होता यही टोल है क्योंकि उसमें उनसियत ख़त्म हो जाएगी सुबह उठ के आपकी औलाद के साथ आप मतलब यू शुड बी इंटेंगल्ड विद योर किड्स एक दूसरे में घुसे हुए आपके बच्चे आप भी तो उसे ये पता होगा ना भाई मैं सुबह उठ रहा हूँ तो बाप 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 के साथ मैंने आंख खोली माँ के साथ आंख खोली दिश हेल्दी चाइल्ड नीड्स बोथ पेरेंट लव बाप का एक वॉम्थ है माँ की एक ठंड है अगर आपने यही नहीं देना उसका आप सुबह भाग गए फ्लान टिमकान ये बेवकूफियाँ अगर आप करेंगे तो आई थिंक वर्क लाइफ फैमिली और इसके बीच की बैलेंसिंग पे मेरे ख्याल से ये है टोल लेंगे तो एनर्जी मिले आप आ, आप आप इसको चला सकते हैं इसको चलाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उस पर अगर आपका सवाल है अच्छा एक मेरा पर्सनल सवाल यह है कि जब आप इतना कुछ जिंदगी में देख रहे होते हैं लोगों को फ्लरिश होते हुए देख रहे हो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही होती हैं आप मल्टीपल ज़ोन्स के अंदर होते हैं बिजनेस के अंदर भी आप इन्वॉल्व हैं आपको वहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको कहीं स्पोर्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं पे सोशल उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको तो बहुत अपॉर्चुनिटी तो मसला ये है कि क्या करें मतलब कि कि दिल जाता है कि यार ये भी कर लो ये भी कर लो और अलहमद उसमें आपने जिस तरह कहा कि बैलेंस करना चीज़ों को हो जाता है तो मादर पिता आजाद है ना तो फर्क ही नहीं पहनता वो जहाँ सफोकेटेड फील करेगा ना वो स्ट्रेट बोल देगा भैया माइंड योर ओन लाइफ मेरी जिंदगी है मैं टावर से छलांग या एवरेस्ट से आप नहीं बोल सकते बीच हमें देसी हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दो लाख लोगों ने मुंह मारना होता है सही और जब तक वो खून का आखिरी कतरा चूस नहीं लेंगे ना हमारा लोगों को ना निहारी हजम नहीं होती लोगों को ये जरूरी है पॉइंट यहाँ पर यह है यस इट्स फाइन आपको लग रहा होगा आपका इधर भी टैलेंट चल रहा है उधर भी टैलेंट चल रहा है इधर भी टैलेंट चल रहा है आप ये समझें कि जो यू हैव अ वेरी नैरो स्पेस आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें आपने पाँच किलोमीटर निकालना है सही है यू नीड टू नो कि पैनिक और हाइपर हाइपरने ब्रीदिंग फास्ट करेगा ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी सो नीड टू अंडरस्टैंड आपने उन एरियाज में जाना ही नहीं है जहां आप बर्न आउट हो जाए ठीक है तो इस एक्सेस लोड को माइनस करें अपनी लाइफ से भैया जो बिल्कुल ही फजूल लोड है ठीक है जहां जाना बनता ही नहीं था चौबीस घंटे में वहां आपने घंटा क्यों लगाया ओके आपने सर्फिंग की स्क्रॉलिंग की मोबाइल पर आपने एक घंटा स्क्रॉलिंग पे लगा दिया वॉशरूम में बैठे हैं मैं लोग आधा आधा घंटा बैठ के अक्सर बल्कि इस बात में मैंने अमल भी किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एक कलीग uh, हैं तो उनको मैं मैंटोर कर रहा था कुछ दिन तो मैंने उनको कहा कि ओके इफ यू नॉट कमिंग ऑन टाइम आई एम नॉट से जस्ट गिव मी अ गुड रीजन मुझे जिसमें उस उस टाइम में किसी को फ़ायदा हुआ हो मैंने कहा बी एट योर पेरेंट्स बी एट योर चिल्ड्रन बी एट योर वाइफ हाँ, है। हाँ, वो, हाँ, वेस्ट नहीं कहा है अगर, अगर तो एक है आपने वेस्ट, हाँ। वेस्ट, वेस्ट होगा ना तो उस पर तो उसपे पनिशमेंट अल्लाह भी आखिरत में पूछेगा ना जिंदगी दी क्या किया जवानी दी क्या किया माल दिया क्या दिया किया गया मैंने मैंने कहा किसी बीमार की तुम इयादत करने गए हो ना तो उसको भी मैं वेस्ट काम नहीं करूंगा ठीक है यू गिव मी अ गुड रीजन बाइक खराब हो गई कुछ मसला था मुझे मुझे अच्छा रीजन दो मुझे <coughs> ये मत बोलना कि नो मेरी आंख नहीं खुली मैंने कहा दिस इज नॉट नॉट ये ये समझ नहीं आ रहा आंख इसलिए नहीं खुली क्योंकि रात को कहीं और था तो रात को ठीक है वहां पर गुजारा अच्छा मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्ती यारियों में शुगल मस्ती होती है लेवल की होती है डिसिप्लिन तो होगा ना फिर भी मैं ये कह रहा हूँ दोस्ती यारी है यू नीड इट अगर एक ऐसा सोर्स जहां पर गले फाड़ के हंसने को नहीं मिल रहा ना ये जिंदगी बर्बाद जिंदगी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वाकई आपका ना कलेजा फाड़ के हंसने का दिल पड़े ये लाइफ में नहीं है मज़ा नहीं आएगा एक ऐसी जगह जहां से आपको एक फेमिन एनर्जी आपको नहीं मिल रही लाइफ बगैर औरत के फजूल लाइफ है जिस मर्द की जिंदगी में एक फेमिनन टच ही नहीं आ रहा कहीं से ये किस ये कैसे कामिल हो सके उसको भी टाइम जाएगा फिर एक क्यूट एनर्जीज चाहिए आपको बच्चों के फॉर्मेट एडोरेबल एनर्जीज इसेक इट विल मेक यू आपको आप लाइवली आपको, आपको लाइवली और आपको ना सॉफ्ट डाउन करती हैं बल्कि अल्लाह के नबी सुस ने कहा भी था ना वो एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उन्होंने एक बच्चे को उठाया बोसा दिया तो उन्होंने कहा हम तो अपने बच्चों को इस तरह बोसा नहीं देते आप कहा कि ये दिल की नरमी है दिल की नरमी है ना दिल की नरमी तो ये क्यूट एनर्जीज जो हैं ये आपकी दिल की नरम करेंगे आपको तो एक एक पावरफुल इंसान में नरमी सख्ती गर्मी सबके बैलेंसेस चाहिए तो भाई इनसे हम पूछेंगे ना भैया लेकिन इसके अंदर भी जो वेस्टेज है वेस्टेज खत्म करनी है आप तर्क माला यानी तर्क माला यानी मीन हु इस्लामर तर्क माला यानी बीबी के साथ भी जो वेस्ट कर रहे हैं ना आप टाइम फजूलियात में उसको खत्म कर दें Hmm. बच्चों के साथ भी जो आप टाइम वेस्ट करेंगे ना मेक श्योर इट्स 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 अ क्वालिटी क्वालिटी टाइम टाइम अच्छा दोस्त यारों में भी आप जा रहे हैं आप ढाई बजे तक रात को बैठे हैं आप तीन बजे तक बैठे हैं बीवी -बी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बच्चे कॉम्प्रोमाइज हो है। आप तीन तक रात को बैठे है फिर वहां शराब चल रही है चरस चल रही है स्मोकिंग चल रही है बदमाशी चल रही है वाई फॉर वॉट शुगर चाहिए था मजा आता था हाई चाहिए था तो उसको आप एक घंटा वहां पे रख के आप इधर से ले लेते हैं ना तो ये कहते जी समझ नहीं आ रहे वो भी ठीक है कोई मसला नहीं, है। नहीं क्या बात करें अगर तीन घंटे भी होगी मैं मुझे मैसेज करेंगी कि अगर तीन घंटे भी बैठ के चला गया तो फिर हफ्ते में दो दिन करेगा अच्छा ठीक है फिर ठीक है दो दिन गल सात दिन चार घंटे बैठेगा और यही करेगा तो फिर उसके दूसरे रोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ना उसका दिल ही नहीं लगेगा वहां पर वो जाएगा नहीं वहां पर लेकिन इस पर तो इसको हम इस तरह रैप अप कर सकते हैं तो है। हम फोकस को इस तरह डिफाइन नहीं कर रहे जस्ट वन थिंग एट अ टाइम जिंदगी में कुछ और चाहिए तो ये फोकस नहीं है फोकस इज तो ये ऑब्सेशन है या इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसिंग एंड ऑब्सेशन जितना ऑब्सेशन होगा ना उतनी लाइफ बर्बाद होगी जितना बैलेंस होगा ना लाइफ में ऑप्टिमल ऑप्शंस चूज किए हुए होंगे उतना ग्रो करेगा लाइफ में पावरफुली ऑब्सेशन ये होता है कि एक के साथ लगा सारी एनर्जी खपा दी बर्न आउट हो गया ऑप्शन अगलों के लिए टाइम ही नहीं है घर आएगा इस हालत के अंदर कि बीवी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकता घर से जाएगा ऑफिस इस हाल में लड़के वहां सबको गला काटने का दिल कर रहा होगा दिस इज लेकिन अल्लाह के नबी सारे में हम कभी ये नहीं सोचते कि having nine, ten, eleven wives, a kingdom to rule. So, as a human being, आपको यह understand करना है कि रसूल सल्लम के दिल पे stress आता था. आप सल्लम के अंदर इतना magnificent stress handle करने की energy कहाँ से आई? हाँ no, बात है. He was living larger than life. No, he was connected to Allah. अल्लाह से जुड़ने के बाद आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत पावरफुल हो जाती है तवक्कुल आ जाता है अगर आप अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत योगा एक्सरसाइज रनिंग से भी करेंगे ना फट आप एक टाइम पे वहां भी भी जाएंगे सही लेकिन फिर अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो गई है आपने वेट्स पे जाके या पंचिंग बैग पे जाके बॉक्सिंग के क्लब्स यून डू यू यून प्लेस एम बास्केटबॉल और बेसबॉल और यू ए प्ले सम क्रिकेट और समथिंग निकल जाएगी लेकिन वो अल्टीमेट प्राइमल इरप्शन uh, uh, नहीं होगा उसका आंसुओं से निकली हुई जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना जिसमें आपका अपना गम कमजोरी एजिटेशन फ्रस्ट्रेशन हैंडलिंग इशू पावर स्ट्रक्चर ये सारा बदनामी तनकीद हकारत लोगों की बे, बे, बेवफाई वफाई लोगों का पीपल इन माई ओन सर्कल नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पेन एंड माई प्रेन मुझे आप वहां निकाल दोगे ना गॉड गिव फाइव हंड्रेड प्लस देयर ओके आपको 500 परसेंट प्लस कैपेसिटी मिल जाती है अल्लाह व मई तक या जल्ल मखरजा अला बज़िकल्ला ततमूम ठीक है तो इन दिनों का इतमान दिलों की बैलेंसिंग दिलों की पावर दिलों की स्ट्रेंथ दिलों की क़ुत अल्लाह की याद से बढ़ जाती है सो नंबर वन इज इसके आप अल्लाह के साथ अगर रहेंगे नी टाइम निकाल लिया शी टाइम निकाल लिया ही टाइम निकाल लिया वी टाइम निकाल लिया दे टाइम निकाल लिया देम टाइम निकाल लिया मगर ही टाइम नहीं निकाला अगर आपने अल्लाह का उस पर हदीस भी आती है ना वो अल्लाह के नबी वसल्लम के बारे में के जब वो घर आते थे तो फैमिली में गुलते मिलते थे जब अजान होती थी तो इस, आ, कहती है शुरू में थोड़ी होगा तो अब अगर आप दिन के रस्ते पे भी चल रहे हो तो ये दीन दुनिया के बैलेंस करते हो तो यू नीड टू तो अंडरस्टैंड गोइंग फॉर दीन तो बहुत से लोग आपको तंग करेंगे इस तरह का फॉर्मेट नहीं चाहिए हमें तो उस पर बेवकूफ़ लोगों को ये सिखा देते हैं कुफर का फतवा लगाओ और सबको इराडिगेट कर दो नो 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 यू हैव टू टॉक टू देम यू हैव टू आपको आपको उन्हें कंडीशन करना है कि मेरे इस फॉर्मेट के साथ आने वाले बीस पच्चीस साल आपने एडजस्ट करना है ठीक है तो, तो एक दो साल तक तो वही टोल यही है ना कि मैंने उस डेटरेंस को उस पैरामीटर को सेट करना है भाई कि मैं इधर हूँ मैं इससे यहाँ नहीं होंगे और आपको यहाँ खुश खुशसलूबी से लाना चाहता हूँ ठीक है तलाक तो एक आखिरी ऑप्शन होता है ना जो आज फर्स्ट रिजॉर्ट बना के बैठे हुए जी तो यही आप बता रहे हो तो भाई नहीं मैं जब यहाँ हूँ फरखता फनसबी का जब तुम दुनिया से फारिग हो तो वहां पर रुख हो

आपको अपनी औकात दिख जाएगी आपको अपनी हैसियत दिख जाएगी तो जहां आपको चीज बॉदर कर रही है फिर होने की वजह से मुतकबर होने की वजह से वो नीचे हो जाएगी और जहां आपको कोई चीज है गुलाम बनने की वजह से बॉदर कर रही है वो ऊपर हो जाएगी तो यू आपको कर... दिख रही है लाइफ में तो अल्लाह वहां पर तवक्ल स्टैब्लिश कर देगा जहां खौफ लग रहा है वहां उम्मीद आ जाएगी जहां गुस्सा हो रहा है वहां इतमान आ जाएगा जहां तयश हो रहा है वहां पर अल्लाह तंड का प्रोग्राम कर देगा तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू हैंडल द देंड्स ऑन य और उस जो, जो आप कह रहे थे सरप्लस एनर्जी आप आठ सौ में पहुंच जाएगी वो उससे साथ आप ये सारा चला सकेंगे उसके बाद एक लार्जर देन लाइफ विजन होना एक मकसद होना इस जिंदगी और जिसम के साथ भी आपको मोटिवेटेड रखता है कि मैं चलाऊंगा इनको बींग अभी तुम सोचो कि अगर मैं मेदार से तो अनप्लग हुआ हूँ थोड़ा सा मतलब मैं उस तरह से माइक्रो इश्यूज नहीं देखता अगर मेरी जिंदगी के अंदर आइडल बैठने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं तो तुम लोगों के लिए अजाब बन जाऊंगा छोटी छोटी बात पे तुम लोगों को टोकूंगा हर चीज पे उंगली करूंगा हर चीज के ऊपर प्रॉब्लम करूंगा हर चीज के ऊपर सो इफ इफ आई आई एम एम वर्किंग वर्किंग इट शुड बी ऑलवेज अ गुड फॉर यू भाई जब तक वो काम कर रहे हैं तो वो काम करे शेयर बूढ़ा भी हो जाए ना तो उसे ऑफिस जाने से नहीं रोकते आप क्यों उसका दिमाग लगा रहेगा वो इधर नहीं आएगा जब वो वहां से फारिग होगा तो वो फिर हमारी गलतियां देखेगा सही है सो इट्स गुड दैट आई एम अ वर्किंग वर्किंग हेड ऑफ द सिस्टम मैं अयाशी आया, पसंद आदमी नहीं हूं मैं काम करने वाला आदमी हूं हूं इसका फायदा वाइफ को भी होगा बच्चों को भी होगा आप लोगों को भी होगा अगर मैं वर्कहोलिक ना हूं तो मुझे कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने का मजा आएगा आप लोगों की लाइफ में क्योंकि मुझे भी तो कोई फंड चाहिए ना लाइफ में सो विजन अगर ज्यादा बड़ा हो एक बड़ी मंजिल सामने हो तो इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है फिर नंबर थ्री इफ यू लव इफ ये बड़ा मैंने जुमला पहले भी समझा लर्न टू लव योर पर्टिकुलर्स ऑफ लाइफ नॉट जस्ट करियर ओके सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें फैमिली बच्चे घर दोस्त यार सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी का hmm. काम धंधा मीडियम है असल इंसान फैमिली के लिए बना है या आदम उसको अंता आदम और उनकी बीवी के लिए दुनिया बनाई थी अल्लाह ने तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं सुकून यही है इन्हीं को दुरुस्त करना है आपने इन्हीं के साथ बैठना है इसी की काउंसलिंग सेशंस लेनी है आपने बड़ों से यही सीखना है आपने कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा मेरी अपनी तरबियत जो खानदान से हुई और प्लस जिस तरह मैंने अपने आप को चलाया मुझसे नहीं बैलेंस हो रहा बीवी भी नहीं मान रही बच्चे भी नहीं मान रहे अब बीवियों औरतों का चाहिए खामन नहीं समाप तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम किस लिए तुम्हारी जिंदगी का पर्पस किया और उसमें तुमने अगले को किस तरह कॉम्प्लीमेंट नहीं सीखना पड़ेगा आपको तो ही ये बैलेंसिंग आ सकती है बाकी ये पुशेज आपको फाड़ देंगे सीने को अगर आप में बर्दाश्त करने का टॉर्क लोड बर्दाश्त करने का ऑल्टरनेटिव नहीं है अंदर ओके शेख एक और बात मैं करना चाहूंगा उसके बाद हम अख्ताम कर सकते हैं वो बात ये है कि कुछ लोग जो हैं ये सारी बातें सुनने के बाद उनके अंदर ग्रिट भी होती है टाइम देना भी चाहते हैं कर भी रहे होते हैं लेकिन हम एक चीज को वहां पर भूल जाते हैं कि इट्स नॉट ओनली योर हार्ट एंड माइंड दैट विल टेक यू देयर अगर ही साथ छोड़ गया फिर एक तो कल मेरे पास एक केस आया एट द एज ऑफ फोर्टी जो स्ट्रेस लोअ बत्तीस पैंतीस के अंदर लिया चल गया डॉक्टर्स ने uh, थोड़ा ओसीडी भी था लेकिन उसने फायदा भी बहुत दिया उसने बॉडी बड़ी नेटिग्रिटीज जो लाइफ की थी उसको भी बैलेंस किया उसको भी पकड़ के रखा हर चीज को टाइम दिया फैमिली को बीवी को बच्चों को काम को सबको फिर पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए पैंतीस छत्तीस के अंदर तोल भी था सब कुछ था लेकिन चूंकि बॉडी आहिस्ता आता बर्नआउट फेज के अंदर जाना शुरू हुई अब चालीस के अंदर आके ना न्यूट्रिशन का ख्याल रखा अपने ना जिम की मसल्स वीक हो गए कह रहे वही लोड जो मैं पैंतीस में ले रहा था अब नहीं लिया जा रहा तो भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि चालीस पैंतीस साल के बाद जो आपका मसल होता है मसल लॉस हर साल एक परसेंट हो रहा होता है मसल लॉस भी हो रहा होगा ब्रेन लॉस भी हो रहा होगा पता नहीं क्या कुछ लॉस हो रहा होता है बॉडी में चालीस साल के बाद तो आप वो नाश्ते भी नहीं कर सकते जो किसी ज़माने आपके मेदे को डाइजेस्ट करना अठारह साल के मेदे में और चालीस साल के मेदे में फ़र्क तो होगा ना सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस है वाइफ लाइफ बैलेंस है पैशन प्रोफेशनल बैलेंस है दीन दुनिया बैलेंस है वहां पे हेल्थ एंड लग्जरी बैलेंस भी देखना है आपने कि भाई इस सेहत को मेंटेन करने के लिए कि मैं ज़िंदगी एक अच्छी गुजार सकूं एक लेवल तक इतना खाना है और फिर इतना डिटॉक्स करना है और फिर देखें एक तो जो जहर आपने खाया है ना खानों में जहर होता है वो डिटॉक्स करना पड़ेगा उसके दो तीन तरीकेकार होंगे या तो आप कुछ अरसे के लिए खाएंगे तो कुछ अरसे के लिए खाना छोड़ें कम करें फिर कुछ अरसे के लिए जो आप खाएंगे उसका एंटीवेनम निकालें फिर आप ठीक है पानी में कोकम्बर डालें आप वो खाएं जो बॉडी को पसंद नहीं है सही है ताकि वो जहर जिसम से निकल जाए फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बढ़े बॉडी की तो आपको मसल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मसल ट्रेनिंग वेट्स के साथ होगी उसके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है प्रोटीन जिस फॉर्मेट में आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा एग वाइट्स किसी के पेय को अच्छे नहीं लगेंगे वे प्रोटीन किसी को खाना पसंद नहीं होगा क्यों इट इज़ नॉट टेस्ट इट्स नॉट गुड इट्स ये टेस्ट बर्ड फ्रेंडली चीज़ें नहीं है तो ये आपको समझना है कि इधर भी वही चीज़ आती है फिटनेस के अंदर अगर आप इस हाथ को कुछ दे रहे हो अगर आप इस हाथ पे पाँच किलो का उठा रहे हो ठीक है और इस हाथ पे भी पांच किलो का उठा रहे लेकिन दोनों मसल सिमेट्री में नहीं है इसका मतलब है इसको सात किलो का चाहिए था सही राइट हैंड हमेशा मजबूत होता है लेफ्ट लेफ्ट हैंड के मुकाबले और जिनका लेफ्ट है उनका राइट से सिमेट्री आएगी यहां पे पांच और यहां पे आठ किलो और अगर दोनों सही एंगल में बचपन से होंगे तो दोनों पांच पांच किलो से बन जाएंगे सही तो ये सिमेट्री लाने के लिए मसल्स के अंदर इसको कुछ देना होगा इसको कुछ देना होगा इसको अलहदा शॉक देना होगा इसको कंसर्न ये है कि आप अपनी बॉडी को नहीं भूल सकते बिकॉज नहीं आखिर में आप जितनी आपके अंदर इंटेंशन आपकी जितनी स्ट्रांग हो जाए नियत अजम इरादा सब तवक् सब ऐसा ही है आपका आप इसको ऐसे समझ लें चार चीजें अगर इस सफर के अंदर बॉडी थक गई फिजिकली तो इसका मतलब है आपने जिसम को सही तरह तवज्जो नहीं दी जो उसको चाहिए था आप डिसिप्लिन नहीं थे शेख मैं पे आप की कुछ बात करना चाहूँगा बहुत बड़े बड़े हैं हमारे शहर के मुल्क के और बल्कि मैंने एक से कहा भी मैंने कहा अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें आप तो उन्होंने कहा नहीं इन ये शुगर कुछ नहीं होती इस तरह करके ना मैंने कहा शेख साहब कुछ बड़े आलिम थे बड़ी मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दिए मैंने कहा उनका, उनका बड़ा उनका खिताब जो होता था ना वो मजमा सुनने के लिए आता था बीमार हो गया अल्लाह ताला की तरफ से हुआ लेकिन आखिर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था मैंने कहा शेख साहब थोड़ा मटन कम करना पड़ेगा थोड़ा टेस्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि आप एसेट है मैंने कहा आप पे आप पे उम्मत की इन्वेस्टमेंट हुई हो होगी आप एक एसेट है आपकी जिंदगी एक आम जिंदगी बराबर तो ही ना इसका कंक्लूडिंग एंड यही होना चाहिए बिल्कुल सही बात की तुमने इसका कंक्लूडिंग एंड यही होना चाहिए कुल्लू अशरबू वला तो सिर्फ ये वाला तो सिर्फ हर रिलेशनशिप को हर हर हिस्से के ज़िंदगी के अंदर खाओ पियो ऐश करो मगर इसराफ मत करो लाइन क्रॉस नहीं करना बीवी के साथ टाइम है ज़बरदस्त है ऑफिस के साथ टाइम है तो एंडिंग नोट की है सफ़र के बीच में अगर बॉडी ने साथ छोड़ दिया तो उसका मतलब है वहाँ डिसिप्लिन नहीं थे आपने नफ्स की सुनी अपनी नहीं उसूल की नहीं सुनी अगर बॉडी ठीक है और माइंड मेंटल इश्यूज आ गए आपको फ्रस्ट्रेशन इशू हैं ओ हो गया कंपल्सिव डिसऑर्डर है एंगजाइटी इशू खड़ी क्रिएट हो गई थी इसका मतलब है कि आपने उन सारे एग्जिबिट्स के अंदर से गुजरते हुए एक पावरफुल साइकोलॉजी इमर्ज करके आप यकीन सर्टेंटी और सबर और परसिविरेंस के साथ नहीं आप पहुंचे अपने फोर्टीज़ में आप पहुंचे डाउट और डिजायर्स लेके कर साइकोपैथीज और फ्रस्ट्रेशन लेके गुस्सा और अनारकी लेके तो ये माइंड माइंड वेस्ट हो गया वहाँ जिसम वेस्ट हो अगर आप फोर्टीज में एंटर हो रहे हैं मिड थर्टीज़ में एंटर हो रहे हैं और एक दोस्त भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर जिसके पास जाके इंसान अपने दिल की बातें कर सके अपना आप खोल सके दैट मीन यू आर वेस्ट इन दिस डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर वो रिलेशन आपका बंदा नहीं मिला ये नहीं हो सकता आपने मैनेज सही नहीं किया ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बेवन आपके पास आपका वर्कलोड उठाने के लिए आपके डेलीगेट्स नहीं है आपके नीचे अथॉरिटी वा के ऊपर लोग नहीं हैं आपके सबॉर्डिनेट्स नहीं है आपके, आपके जानश ही नहीं है इसका मतलब है भाईजान हज़रत जी कल भी मदरसा चला रहे थे बीस साल बाद भी ख़ुद ही जा उसकी आलू प्याज टमाटर और गंदम का मैनेजमेंट कर रहे हैं बंदे नहीं हैं यहाँ पर गाँव अलग हालाँकि दीन दीनदारों में तो बहुत ज़्यादा फिदाई लोग होते हैं आपने तब भी नहीं सल्तनत खड़ी की आप ही बैठे हैं और भाई अब आप नहीं चलाना है साहब के तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेलीगेट्स नहीं है और आपकी घर की किंगडम आपकी वाइफ फुल फ्लेज अंदाज़ में नहीं हैंडल कर रही वहाँ पर वो जिम्मेदारी को नहीं संभाल रही आपके बच्चे आपका बोझ नहीं संभल रहे आपके आपके वर्कर्स आपके कोलिग्स आपका बोझ नहीं संभाल रहे आपका मसल आपकी बॉडी और हड्डियों को सपोर्ट नहीं कर रहा और आपका माइंड जो है वो तूफान वैसे ही तूफानों को सिर्फ अपनी हिकमत से यूं यूं ना करते तो ये एक ऐसी ज़िंदगी की मिसाल है कि जिसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स की सुनी और वो एक एक समझदारी प्लेंड हमत और किसी की सरपरस्ती और उसूल और कायनात को सामने रख के नहीं चला ये सारा ही कोलेप्स कर गया किसी का तीस परसेंट कोलेप्स करेगा किसी का बीस परसेंट कोलेप्स करेगा यही वजूहत होती हैं कि वो एक ऐज से आगे नहीं जा पाते उनकी शक्लें भी अच्छा अगर ये सब कुछ ठीक हुआ और शक्ल ठीक नहीं हुई आपकी मगर आपका एक फेशियल नहीं है आपका एक आपकी एक वजाहत जो है चालीस साल के ऊपर या पैंतालीस साल पर या पैंतीस के बाद वजाहत आपकी बता रही है आपके अल्फाज नहीं बदले आपके बीस साल बाद आपके अल्फाज नहीं बदले आपकी टोन नहीं चेंज हुई आपका तकल्लम आपकी बलागत आपकी इबारत नहीं बदली हैरत की बात है भाईजान इसका मतलब है मतलब आज भी आप अट्ठारह साल के बच्चे लड़के की तरह हैं आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया अपनी थर्टीज़ को और फोर्टीज़ को हैरत की बात है ज़िंदगी का हर हिस्सा अपना एक हुसन लेके आता है सही सिवाय बुढ़ापे के तो आप वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट ही नहीं कर सके इसका मतलब है कि भाईजन वहां वहाँ पर भी कहीं स्टकअप रहे या कहीं मनमानी की या आप हुआ करते रहे अपनी मर्जी से हैंडल करते रहे अपनी मर्जी से चलाने के ऊपर ये सब बर्बाद हो जाए तो एनर्जी नहीं है बर्दाश्त नहीं है अल्लाह नहीं है डेलीगेट्स नहीं है कलीग्स नहीं है ट्रस्ट इश्यूज नहीं है भरोसा नहीं है आग नहीं है लोगों में आपका दर्द नहीं है दोस्त नहीं है खुदा नहीं है जमीन पे साथ नहीं है मसल्स नहीं है रू नहीं है तो क्या बनाया फिर आपने जिंदगी कौन सी बैलेंसिंग की बात आप कर रहे हैं कम पे सेटल होगा है कम पे सेटल हो गए इसके ऊपर फिर एंड में होना भी पड़ेगा आप कर नहीं सकेंगे सही बात है। आप हिला नहीं सकते मुकद्दर पर डाल देंगे किस्मत पर डाल देंगे नसीब पर डाल देंगे घरवालों पर डाल देंगे जल्दी कामयाबी जिग जैगिंग जमीर बेचना वकार भरम इज्जत का सौदा करके जो लोग भी आज सिस्टम में कहीं ऊपर बैठे ना मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा किसी की तरक्की से घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना हसत करने की जरूरत है और ना ज्यादा उस को सराने की ज़रूरत है वो उसकी है वो अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की दे हम उसके लिए दुआ गो हैं लेकिन खुद देख लीजिएगा खुद सामने आ जाएगा जो चीज़ आती है अपने वक्त के साथ अपने हुसन के साथ अपने बैलेंस के साथ अदवम हो इनकल्ला कम हो मगर दवाम के साथ हो उसकी दौड़ बहुत लंबी होती है बहुत बड़ी होती है